दूध में सिर्फ ये दो चीजें मिलाकर अपने चेहरे पर लगा लो, आपका चेहरा बिल्कुल दूध सा गोरा हो जाएगा, साथ ही बच्चों की तरह सॉफ्ट और चमकने लग जाएगा। दोस्तों, आप लड़के हो या लड़की, आप इस रेमेडी को लगाकर अपने चेहरे को आसानी से चमका सकते हो। तो आइए जानते हैं इस रेमेडी को कैसे बनाना है। जैसा कि हमने आपको बताया, इस नुस्खे में हमने इस्तेमाल किया है कच्चे दूध का। हाँ दोस्तों, कच्चा दूध आप तो जानते ही हैं, दूध जैसे पीने में लाभदायक होता है, वैसे स्किन पे लगाने में भी काफी अच्छा होता है। दोस्तों, अगर राजा महाराजाओं की बात करें तो काफी रानियां दूध से नहाया भी करती थी। तो दोस्तों, अब आज इस महंगाई के जमाने में हम दूध से नहा तो नहीं सकते, पर हाँ, दूध के कुछ फायदे तो उठा सकते हैं ना। दूध हमारी स्किन को बिल्कुल अपने जैसा गोरा कर देता है, बिल्कुल सफेद कर देता है। जो हमारे पोर्शिज हैं उनके अंदर घुसकर जो उनके अंदर डस्ट घुसी हुई है उसे खत्म कर देगा और हमारे चेहरे को बिल्कुल गोरा बना देगा। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले सिर्फ एक चम्मच दूध लेना है। आप देखिए इस प्रकार से कोई बड़ी सी चम्मच लेकर एक चम्मच दूध ले लीजिए। दूध के अलावा हमें इसमें क्या मिलाना है? दूध के अलावा दोस्तों हम लेंगे हल्दी। हल्दी हमें कुछ ज्यादा नहीं लेनी है दोस्तों, अगर आपने ज्यादा हल्दी ले ली तो आपका चेहरा बिल्कुल पीला हो जाएगा, जैसा कि काफी लोगों का कहना भी है। वैसे तो अगर हम उपटन का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी हल्दी लगाते हैं, जो शादी से पहले निखार लाने के लिए होती है। पर दोस्तों, अभी हमें इस दूध में सिर्फ बिल्कुल एक चुटकी, आप जितना देख रहे हैं जितना मैं ले रहा हूँ, सिर्फ इतनी सी, सिर्फ एक चुटकी हल्दी का इस्तेमाल करना है। ज्यादा हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो आपकी स्किन बिल्कुल पीली पड़ जाएगी। दोस्तों, एक चुटकी हल्दी के साथ में आपको जरूरत होगी सिर्फ आधे नींबू की। आप देख रहे हैं मैंने सिर्फ आधा लेमन लिया है, आपको भी लेमन आधा ही लेना है। दोस्तों, लेमन के अंदर ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे आप ब्लीच करवाते हो तो आपका स्किन गोरी हो जाती है, आपके बाल ब्राउन हो जाते हैं, वही प्रॉपर्टीज आपके लेमन के अंदर भी मिलती हैं। इसके अंदर विटामिन सी काफी मात्रा में होता है, सिट्रिक एसिड होता है, जो आपके स्किन को गोरा करने में काफी मदद करता है। पर कुछ लोगों को लेमन शूट नहीं करता, तो मैं उन्हें सबसे पहले बता दूं कि लेमन के लिए आपको पैच टेस्ट जरूर करना चाहिए। ऐसे ही किसी के भी बताने से सीधा अपने स्किन पर आपको लेमन को अप्लाई नहीं करना चाहिए। अगर आपके चेहरे पर कुछ ज्यादा ही जलन होती है लेमन लगाने से, तो आपको लेमन का इस्तेमाल नहीं करना है, आप इस रेमेडी में लेमन को स्किप कर सकते हैं। तो हम इसके अंदर ये हाफ लेमन निचोड़ लेते हैं। हमने ये हाफ लेमन इसके अंदर डाल लिया। अब हमारा जो तीसरी चीज है वो आपको आराम से किसी भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी और काफी सस्ती होती है। मैं बात कर रहा हूँ आपको विटामिन ई के कैप्सूल की। दोस्तों, विटामिन ई हमारी स्किन के लिए काफी अच्छा होता है, तो आपको इस कैप्सूल को इसके अंदर डाल लेना है। इस तरीके से आप इस कैप्सूल को इसके अंदर डाल लीजिए। विटामिन ई आप किसी भी केमिस्ट की दुकान से ले सकते हैं, ये काफी सस्ता होता है। जिन लोगों की स्किन काफी सूखी हुई है, काफी ड्राई है, उनके लिए तो ये काफी अच्छा है, ये आपकी स्किन में अलग से ग्लो लेके आता है। तो आपको विटामिन ई का भी इसमें इस्तेमाल करना है। अब इसे आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। दोस्तों, हमने इसमें दूध लिया था और दूध में हमने लेमन को मिला दिया, इस कारण ये दूध फटके हमारी जो रेमेडी है इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी, देखिए इस प्रकार से गाढ़ी हो गई है। तो इसको स्किन पे लगाने में हमें काफ़ी आसानी होगी। आप कॉटन की मदद से या फिर आप इस तरीके से इसके बीज निकाल दीजिए, ताकि ये बीज बाद में आपके पैक में आपको परेशान ना करे। हो सके तो लेमन को स्क्वीज करते टाइम उसी टाइम पे निकाल लीजिए इन बीजों को। ये देखिए, इसको आपको मिला के इस प्रकार का आपको इसका पेस्ट बना लेना है। रात में आपको इस पैक को लगाना है, 15 मिनट तक इसे अप्लाई किए रखना है, उसके बाद में ठंडे पानी से आपको अपने चेहरे को धो लेना है। उसके बाद में आपको जो कच्चा दूध है सिर्फ उसको एक कॉटन से लेकर अपने चेहरे पर थोड़ा थोड़ा लगा लीजिए, ये एक मॉइस्चराइजर की तरह काम करेगा। या फिर आपके घर में कच्चे दूध की मलाई है तो वो भी उतार के रख सकते हैं और उसे भी अपने चेहरे पर लगा सकते हैं। इससे आपके चेहरे में एक अलग ही ग्लो आएगा, एक अलग ही चमक आएगी। तो चलिए अब हम इसे अप्लाई करने का तरीका सीख लेते हैं कि आखिर इसे अप्लाई कैसे करना है।
आप अपने फेस पैक को इस प्रकार से हाथ में ले सकते हैं या फिर कॉटन बॉल से इस तरीके से चेहरे पर या शरीर के किसी भी हिस्से पर लगाइए और सर्कुलर मोशन में इस तरीके से आपको इसे अप्लाई करना है। दोस्तों, आप इसे जब अप्लाई करेंगे तो देखेंगे ये आपके शरीर के अंदर पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो गया है, क्योंकि हमने इसमें मिल्क का इस्तेमाल किया है। दोस्तों, जब आप मिल्क का इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके पोर्सेज के अंदर अच्छे से चला जाता है। साथ में इसमें लेमन का इस्तेमाल हुआ है तो वो अपना काम करेगा, यानी गोरा करने का। मिल्क अपना काम करेगा आपकी स्किन को सॉफ्ट और ग्लोइंग करने का। साथ ही आपकी स्किन में मॉइस्चर को पूरा करने के लिए जो आपने विटामिन ई का कैप्सूल लगाया है वो भी काम करेगा। तो आपको इस प्रकार से इसे अप्लाई करना है अपवर्ड फॉर्म में। अगर आप चेहरे पे कर रहे हैं तो नीचे से ऊपर की तरफ इस तरीके से आपको करना है। और देखिए, इस तरीके से इसे अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई करके आपको इसे कम से कम 15 मिनट तक छोड़ देना है। दोस्तों, आपको इसे पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करवाना है। जब आपकी स्किन के अंदर ये जाना बंद हो जाए तो आप इस तरीके से अपनी स्किन को छोड़ सकते हैं। अब मैं आपको पूरा फ़र्क दिखाऊंगा। मैंने इस हाथ पे अप्लाई किया है और इस हाथ पे अप्लाई नहीं किया है। फ़र्क आप अभी भी देख सकते हैं और 15 मिनट बाद में मैं इसे धोऊंगा, उसके बाद आप इन दोनों में फ़र्क देखेंगे तो अपने आप से हैरान रह जाएंगे। अब आप अपनी आँखों से इसका लाइव रिजल्ट देख सकते हैं कि मैंने इस वाले हाथ में अपने इस पैक को अप्लाई किया और ये वाला हाथ बिना अप्लाई किया हुआ है। तो एक बार में जब इतना रिजल्ट मिल सकता है तो आप अगर इसे रोजाना लगाएंगे तो खुद समझिए कि आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। तो अपने स्किन को गोरा बनाइए, चमकदार बनाइए इस पैक के साथ। दोस्तों, हमारी स्किन एक तो एक्सटर्नली संभाली जाती है, एक इंटरनली संभाली जाती है। मान लो अगर आपका पेट खराब है तो आपके चेहरे पे मुहासे आएंगे ही आएंगे, साथ ही आपकी आंखों के नीचे कालापन रहेगा। इसी प्रकार से अगर आप में खून की कमी है तो आपके चेहरे पर पीलापन झलकेगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर आपके अंदर डाइट की दिक्कत है या इंटरनली दिक्कत है तो वो भी आपके चेहरे पर और स्किन पर साफ साफ दिखती है। इसी प्रकार से आप भी अपने हाथों को या अपने चेहरे को अगर चमकाना चाहते हैं, गोरा करना चाहते हैं तो इस रेमेडी का जरूर इस्तेमाल करें और इसका जो भी रिजल्ट रहा हो वो हमें ज़रूर बताएं। हम आपको मिलेंगे नई वीडियो में। धन्यवाद।